हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे JKSSB की तरफ से जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई हैं उसके बारे में। सो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली इस मंथ में, तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले एडमिट कार्ड के बारे में, फिर सेकेंडली एक और नोटिफिकेशन जो आया उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के जहाँ पे क्वेश्चन थे कि एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करें, तो जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा ये सेकेंड नंबर का जो लिंक आपको देखने को मिलेगा, सिंपली आपको जहाँ इस लिंक पर क्लिक करना है और जिस लिंक को क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके मोबाइल पर खुलेगा और इस इंटरफेस से आप जहाँ से लॉगिन कर सकते हैं अपने एडमिट कार्ड को, और जहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड सिटी इंटीमिडेशन एडमिट कार्ड फॉर JKSSB 2023, जहाँ पे क्लियरली बताया गया है कैंडिडेट जहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जहाँ से पोस्ट को सिलेक्ट करना है, जितने भी यहाँ पे पोस्ट, जितने भी वैकेंसीज का जहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, जितने भी डिफरेंट पोस्ट है, चाहे वो आपकी ड्राइवर की है, चाहे वो आपकी इलेक्शन असिस्टेंट की है, इंस्पेक्टर फिशरीज और फार्म मैनेजर की है, जूनियर लाइब्रेरियन की है, आपने जहाँ से जहाँ में से, जैसे सपोज कोई लेबर इंस्पेक्टर के लिए या लेबर ऑफिसर के लिए जहाँ पे किसी ने फॉर्म को फिलअप किया है, तो सिंपली आपको जहाँ पे क्लिक करना है, फिर आपको एप्लीकेशन आईडी डालनी है अपनी। एप्लीकेशन आईडी डालने के बाद फिर आपको जहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और डेट ऑफ बर्थ पहले आप ईयर डालोगे, फिर मंथ डालोगे, फिर आप डे डालोगे। तो इस तरीके से आप जहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप इसको अपने जो है अपनी एडमिट कार्ड को एक्सेस कर सकते हैं। अब सेकंड जो इम्पोर्टेंट अपडेट JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे आई है उसको हम डिस्कशन करेंगे। सेकंड अपडेट जो JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगी, JKSSB इसी मंथ जो है CBT कंप्यूटर बेस्ड टाइप टेस्ट यानी कि स्किल टेस्ट जो है कंडक्ट करने वाली है। जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा जो स्किल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा यह जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए किया जाएगा, और ऑलरेडी डेट्स जो है JKSSB की तरफ से निकाल दी गई हैं। आप JKSSB जो है इसका स्किल टेस्ट कंडक्ट करेगी, जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, कल मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि 1 फरवरी 2023 से JKSSB जो है जहाँ पे ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट कर देगी, और ऑनलाइन लिंक की हेल्प से आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए। तो जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पे मैं आ गया हूँ JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप खुद भी जहाँ पे विजिट कर सकते हैं www.jksb.nic.in पे, और जहाँ पे आप जैसे ही आओगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, और जैसे ही जहाँ पे आप इसको स्क्रॉल करोगे तो फर्स्ट आपको जो है लिंक देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिट कार्ड को आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो एडमिट कार्ड जो है स्किल टेस्ट जो है कंडक्ट किया जाएगा JKSSB की तरफ से 9 से लेकर 11 फरवरी तक, इसमें जो एग्ज़ाम कंडक्ट स्किल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा जो जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए किया जाएगा। सेम आपका प्रोसेस जहाँ पे रहेगा, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आप सबसे पहले आपको अपनी एप्लीकेशन आईडी डालनी है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और डेट ऑफ बर्थ को आपने पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डे आपने डालना है। तो इस तरीके से आप अपने एडमिट कार्ड को जहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो ये जो दो लिंक थे एक्टिवेट थे उसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको कोई एप्लीकेशन आईडी या एप्लीकेशन आपकी फॉरगेट, आपको एप्लीकेशन आपकी भूल गई है, किसी तरीके की कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, तो मैं आपको ज़रूर आपकी जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ये थी आज की इंपॉर्टेंट अपडेट जूनियर असिस्टेंट कैंडिडेट्स के लिए। फाइनली JKSSB की तरफ से लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है और आप अपने एडमिट कार्ड को जहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।